देश के 75 वर्षों के भ्रष्टाचार में भूपेश बघेल जी का एक ऐसा उदाहरण आया है कि जिसने एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार किए हैं। उनकी सरकार में गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला और अब महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपया महादेव ऐप वाले से लिया ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें, उनको टाइट करते रहें और भूपेश बघेल जी की जेब भरते रहें और भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की जेब भरते रहें। अब ये सवाल खड़ा होता है जो गंभीर आरोप है, बघेल जी ने क्यों इसको बंद नहीं कराया आपको? क्या इनके पुलिस वाले ये नहीं कर सकते थे? क्या इन्होंने एक बार भी प्रेस वार्ता करके कहा कि इस ऐप को बंद करना चाहिए? क्या एक बार भी पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल जी ने एक पत्र भी लिखा इसको बंद करने के लिए? ये साफ दिखाता था पूरे के पूरी तरह से ये ऐप को चलाने वालों के साथ सट्टे से पैसा कमा रहे थे और सट्टे का पैसा सत्ता में आने के लिए उपयोग करने में लगे थे। अब जब पोल खुल गई है तो पसीना आता है बघेल जी को, टाइम देखते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते, मीडिया को कहते हैं अरे कितना सवाल पूछोगे, कितना भागोगे बघेल जी सवालों से। अब छत्तीसगढ़ कहता है भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश भाग, जितना भी भागोगे जनता भगाएगी, फिर जांच एजेंसियां भगाएंगी, लेकिन भ्रष्टाचार किया पकड़ के लाएंगी। और जहां मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन है, जहां केजरीवाल जी जाने वाले, वहां पर आपको भी स्थान मिलेगा। सर लेकिन भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि जीएसटी के लिए आपने उसको फोन कराता है, लीगल वेब वो थी ऐप थे इस तरीके के उसको, और उन्होंने 1.5 साल पहले केंद्र को लिखा था कि आप उसको इस ऐप पे। मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल उनसे, क्या भूपेश बघेल जी के वित्त मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, राज्य की सरकार ने कोई कार्रवाई की? क्यों संरक्षण दिया था? क्यों उन्होंने शुभम सोनी को विदेश जाने के लिए कहा था? क्यों असीम दास के माध्यम से जो कहा गया पैसे कैसे करवाने हैं? क्यों इनके पुलिस के अधिकारी पैसा इकट्ठा करा के भूपेश बघेल जी को पेमेंट करते थे? क्या ये पैसा केवल भूपेश बघेल तक आया कि कांग्रेस हाई कमान के किस किस व्यक्ति को गया? इस बात का जवाब देश चाहता है। छत्तीसगढ़ को लूट कर खोखला करने वाले, एक नहीं अनेक स्कैम करने वाले भूपेश बघेल से जनता पूछती है कितना खाया है, कितना और खाने की इच्छा रखते हो, अब जवाब दो, भागो मत। पहले कहते थे भूपे करो, अब कहते हैं भाग भूपे भाग। सर जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और ये कह रहे हैं, मैं ये कहूंगा जयराम जी थोड़ी चिंता करो अपनी पार्टी की, महाराष्ट्र में भी चुनाव हार गई और अब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आप लोग हारने वाले हैं। सर जो गठबंधन है उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जिस तरीके से देखा जा रहा है सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ी, लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, अब अखिलेश यादव में ये कह रहे हैं कि अच्छा वो हमको पहले ही देखिए पहले नीतीश जी ने, फिर अखिलेश यादव जी ने, कभी ममता जी ने कांग्रेस को धोखेबाज कहा ही, और ये इनका इतिहास बताता है कांग्रेस ने सबका उपयोग किया अपने लिए। कभी इनके नाम पे सरकार बनाई फिर लुढ़का दी, फिर दूसरे की बनाई फिर लुढ़का दी, फिर खुद सत्ता में आ गए। तो कांग्रेस का तो पुराना खेल है, कभी जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मांगते हैं, तुष्टिकरण करते हैं, कभी छोटे दलों का उपयोग करके अपनी पार्टी सत्ता में लाते हैं और फिर उनको धिकारते हैं। अब इन्होंने जो घमंडिया गठबंधन बनाया उस इंडी अलायंस के अलग अलग दल अलग अलग भाषाओं में बोल रहे हैं, अलग अलग बातें बोल रहे हैं, ये साफ दिखाता है इन सब का मन मोह भंग हो चुका है कांग्रेस पार्टी से। और कांग्रेस के भ्रष्टाचार राजस्थान और छत्तीसगढ़ को देखकर अब इनको लगता है कांग्रेस तो आने वाली नहीं, इनसे दूर हट लिया जाए। मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी दौरे पे हैं, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? कांग्रेस हालांकि दावा कर रही है कि सरकार वो बना रही है। देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि कांग्रेस के राज में बीमारू राज्य था, और दिग्विजय सिंह जब 10 साल मुख्यमंत्री थे तो तुष्टिकरण की राजनीति करते थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी भोपाल गैस से प्रभावित लोगों को हक तो दिलाया नहीं कांग्रेस ने, लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे उनसे क्या लिया क्या नहीं लिया ये सबको पता है, और उनको कैसे विदेश भगाया गया, यहाँ के किसानों को और गरीब बनाया गया,
यहाँ के युवाओं को रोजगार लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, इलाज कराने के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई योग्य हुई, सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक बना, कृषि की दर सबसे ज़्यादा देश में मध्य प्रदेश की है, आईटी से लेकर टेक्सटाइल तक हर तरह की इंडस्ट्री आज मध्य प्रदेश में आ रही है, शूटिंग मध्य प्रदेश में हो रही है, सड़कों से लेकर पुलों से लेकर आज हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है, कई वंदे भारत ट्रेनें यहाँ के लिए चला कर दी गई। मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू था कांग्रेस के राज में, आज अग्रणी राज्यों में आकर खड़ा हुआ है भाजपा के शासन में। कांग्रेस दिन में सपने देख रही है, मुंगेरी लाल के सपने कांग्रेस देख के मध्य प्रदेश की जनता